हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सबसे मज़ेदार कहानियाँ के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्या आपको भी हिंदी में मज़ेदार कहानियाँ सुनना है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमेशा से ही बच्चों को कहानियाँ सुनने का बहुत ही शौक रहता है। बच्चों को इस कहानियों को सुनने से बहुत कुछ सीख भी मिलती है, इसलिए उन्हें यह कहानियाँ सुनना और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ज़्यादातर बच्चों को कहानियाँ सुनने का ज़्यादा शौक रहता है। अगर आप भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आपको हमारे द्वारा लिखे गए इस कहानी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं कहानी। किसी गांव में एक कारीगर रहता था जिसका एक लड़का था। कारीगर अपनी छोटी सी झोपड़ी में टोकरी बनाता था, जिन्हें वह 20-20 रुपए में बेचा करता था। अब कारीगर बूढ़ा हो चुका था। उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को यह टोकरी बनाने का काम सिखाता हूँ। लड़के से कहा कि तुम उसे सीख लो, मैंने तुम्हारे दादाजी से सीखा है, ये हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा काम है, अच्छा काम है। लड़का भी मान गया टोकरी बांधने का काम सीखने को। पिताजी ने लड़का को टोकरी बनानी सिखाई और उसे बाजार में बेचकर आने को कहा। लड़का टोकरी को लेकर बाजार गया और बेचकर आया ही था, पिताजी ने पूछा कि उदास क्यों हो? लड़का बोला कि मेरी बनाई हुई टोकरी केवल 10 रुपये में ही बिकी। पिताजी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हें और अच्छी टोकरी बनाना सिखाता हूँ। पिताजी ने और अच्छी टोकरी बनाना सिखाई और उसे बाजार में बेचने को कहा। लड़का टोकरी लेकर बाजार गया और अपनी बनाई टोकरी को 15 रुपये में बेचकर आया। लड़का अब भी उदास था। पिताजी ने फिर उदासी का कारण पूछा तो लड़के ने कहा कि टोकरी केवल 15 रुपये में ही बिकी। पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हारी बनाई हुई टोकरी अच्छे दामों में बिकने लगेगी, तुम अच्छे से टोकरी बनाना सीखते रहो। पिताजी ने और अधिक अच्छी टोकरी सिखाई और टोकरी बनाकर बेचने को कहा। लड़का बाजार गया और उस दिन उसकी टोकरी 30 रुपये में बिक गई। लड़का बहुत खुश हुआ। पिताजी ने पूछा कि आज कितने रुपए की टोकरी बेची? लड़के ने कहा, आज मेरी बनाई टोकरी 30 रुपये की बिकी है। पिताजी ने यह सब सुनकर लड़के से कहा, बहुत अच्छा है, चलो आज तुम्हें ऐसी टोकरी सिखाऊंगा जो 40 रुपये में बिक सके। लड़के ने कहा, बस पिताजी, आप खुद 20 रुपये की टोकरी बेचते आए हो, आप मुझे 40 की टोकरी बनाना कैसे सिखाओगे? आप रहने दो, आपसे ज़्यादा रुपए की टोकरी तो मैं बनाना जानता हूँ। इतना सुनकर पिताजी ने कहा, ऐसा ही कुछ मैंने भी कहा था। जब मेरे पिताजी खुद 15 रुपये की टोकरी बेचते थे और एक दिन मेरी टोकरी 20 रुपये में बिक गई। मेरे पिताजी ने मुझे 25 रुपये की टोकरी सिखाने को कहा था तो मैंने भी सीखने के लिए मना कर दिया था, और कहा था कि आप खुद 15 की बेचते आए हैं, आपसे ज़्यादा की तो बेच कर आया हूँ। और तब से जीवन भर 20 रुपये की ही टोकरी बेचता रहा, क्योंकि उससे ज़्यादा की टोकरी मैं सीख ही नहीं पाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें थोड़ा सा सीखने पर यह घमंड नहीं होना चाहिए कि अब मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हर कोई कुछ ना कुछ आपसे अधिक जानता हो। हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।